अनीता, मधु बोल रही हूँ। कल सर का बर्थडे है, पहुँच जाना। दीदी, बहुत बुरा हुआ दीदी। क्या हुआ, तुम रो रही हो? दीदी, मेरे ससुर की डेथ हो गई है। तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुम्हारा पति मर गया हो। दीदी, दुनिया में लोगों का आना जाना तो लगा ही रहेगा। तुम कल सर जी के यहाँ पहुँच जाना, और सुनो, फूलों का गुलदस्ता ले जाना मत भूलना। आइए आइए, आने वाले वक्त की सुपरस्टार अनीता दीक्षित, आइए। सालगिरह मुबारक हो सर जी। थैंक्स। बैठो जी। क्या बात है आज तुम्हारे गुलाब से चेहरे पे उदासी छाई हुई है, और लिबास भी तुमने कुछ बेरंगा सा पहना हुआ है। सर जी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसीलिए मुझे आना पड़ा। पर सर जी, मुझे जल्दी जाना है। जाना है? कहाँ जाना है जाने मन? सर जी, मेरे ससुर की डेथ हुई है, मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना पड़ेगा। जान तुम जाना नहीं, जान मेरी ले जाना नहीं, इतनी जल्दी भी क्या जाने की? ये सब तो संसार में चलता ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है, लेकिन एक कलाकार के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे तो संसार के सारे बंधनों को तोड़कर सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए, बस। सर जी, कलाकार भी तो इंसान होता है, जो दुख और सुख दोनों को महसूस करता है। गलत, बिल्कुल गलत। देखो मुझे, देखो, मैं बिल्कुल अकेला हूं। मैंने अपने पूरे परिवार को त्याग दिया, अब ये डिपार्टमेंट ही मेरा परिवार है। तुम मेरी मां, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी पत्नी हो, यू नो, तुम मेरी पत्नी। नहीं सर जी, मैं आज नहीं गा सकती, मुझे जाना होगा, प्लीज। ओके, आज रिकॉर्डिंग कैंसिल, आज सिर्फ तुम मेरे लिए गाना गाओगी, ठीक है? सर जी, आज मैं नहीं गा सकती, मुझे जाना है, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं गा सकती तो कोई बात नहीं, हम किसी से जबरदस्ती नहीं करते। जाना चाहती तो जाओ, लेकिन जाते जाते अपनी कुछ चीजें अपने साथ लेते जाओ। कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास। ये आपने कब खींची? हम लोगों की आंखों से काजल चुरा लेते हैं, लोगों के सीने से दिल चुरा लेते हैं, और कुछ लोगों की हरकतों को कैमरे में कैद करके फोटो चुरा लेते हैं, और बहुत कुछ भी है हमारे पास। हाँ?
तुम चाहो तो ये फोटोज और ये सीडी रख सकती हो, लेकिन इस फोटोज के निगेटिव और सीडी की असली कॉपी मेरे पास रहेगी। वो क्या है ना कि ऐसी चीजों को इकट्ठा करने का शौक है मुझे, वक्त और जरूरत पे काम आते हैं। ओ, अब तुम कहोगे कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूं। हाँ सर जी, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। राइट राइट राइट। अब चाहे तुम इसे ब्लैकमेल कहो या फ्रंटियर मेल, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब तुम गाओगे ही नहीं, नाचोगी भी। आज सर जी का बर्थडे है। सोलह पे 17 जब चढ़ने लगा, जवानी पे खतरा ये